लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि अपने जीवन में कभी भी धूम्रपान तथा अल्कोहल का सेवन नहीं करेंगे। क्या नाम है? सोयल। किर्सन का नाम? किर्सन। हाय नमस्कार। पैर में लगे थोड़ा। पढ़ाई के नाम पर पैर में लग गया। बैग उठाओ और घर जाओ। किर्सन को और अपने पापा को कल साथ में ले जाना। साहिल भाई जो किर्सन है ना, उसके पापा बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। वो जो किर्सन है ना, वो बहाने लगा देता है मेरे पैर में लग रहे, उसमें लग रही है स्कूल आने। भाई एक नया लड़का है, उसका पाल बनाते हैं। इधर आ भाई, सर आए हमारे, नमस्ते करें इनको। फिर बाप का नाम क्या? मकसूद। हम करेंगे भाई नमस्ते और नाम भी बताएंगे। अबे सर भागो। हेलो हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कह रहा हूँ हमारा एक ऑफिसर आ रहा है आपके स्कूल में। जी सर। ये तो आपके देखने आ रहा, पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है और उनका ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, ओके सर। थैंक सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और ठीक हैं? प्लीज सिट डाउन। ओके बैठिए। आप प्रिंसिपल हैं यहाँ पे? जी सर। तो आप मेरे साथ चलिए जरा बच्चों के कुछ टेस्ट वगैरह लेने। क्या काम चल रहा है? ठीक है, आइए। हाँ भैया बेटा, क्या बात है, बता कैसे कैसे परेशान है? किर्सन के वजह से मेरा भी नाम खराब हो रहा है स्कूल में। कैसे बेटा, पढ़ रहा ना? होगा ना, पढ़ा लिखा तो है ना। हाँ मो तो पढ़ना, तुम मेरा कुछ करो बेटा। जमीन बेको या घर बेको, मो पढ़ाओ तुम, मुझे पढ़ाओ। तो बेटा तू पता, किर्सन ने बेच दिया जुआ में। हम ऊपर से बेटा बस ऊपर रहो बस। बेटे को पढ़ाने के लिए बेचा खेत। Someday you'll have it your way.
दिख जा मुझे ये काम बहुत फुर्ती में कराना है, मेरे बिल्डिंग का काम भी रह रहा है इस खेत की वजह से, ठीक है ना? ऐसे बुड्ढों की मुझे जरूरत नहीं है, और साइड पर बस इतनी सी लेबर है। इस बुड्ढे को कुछ पैसे दे के इसकी दवाई दिवा लाऊं, अगर इसके बस में है तो काम करेगा, ना तो अपने घर बैठेगा, ठीक है? यार रोज रोज किसी की मजबूरी सुनना लूं मैं, ठीक है ना? ठेकेदार साहब इनको मत निकालो, ये बहुत अच्छे आदमी है, ये अपने बालकों को पढ़ाने जा रहे हैं। मुझे ये सब नहीं पता, मुझे काम से मतलब है, मुझे मजबूरी और गरीबी इनसे सख्त नफरत है, ठीक है ना? और आप बता रहे थे नए लड़के आए थे, किधर है? चलो दिखाओ। बाबा बाबा उठो, हाँ चलो तुम्हें तो दबा उठो। किधर है नए नए मजदूर ने दिख रहे, किधर है भाई? ये चूजे, ऐसे ऐसे चूजे को लाते हो तुम हमारे पास? सर ये ना इसके साइड में देखो, बोलो इधर। हाँ भाई, क्या क्या जानते हो काम के बारे में? बहुत कुछ जानते हैं ठेकेदार साहब। कौन है? सारा आप ही सारा। अच्छा, मैं 5 बीघे की गौला केला बना दूंगा। समझा तू बता भाई। देखो जी, हम कबर भी अच्छी खोद दे। कबर ना खुदवानी है पर किसी की, तो हम नीम भी अच्छी खोद दे। अच्छा, डोल भी बहन बना दे। चुप बैठ बाबूजी। हाँ भाई बता, काम के बारे में क्या जानता है? देखो जी, जो तुम्हें काम करवाना हो वो करवा लो, हम तो सब काम करते हैं। मुझे काम अर्जेंट कराना, झाड़ी बताओ कितनी लोगे? झाड़ी लूंगा जी 125। 125 जी? मैं 125 में करूंगा। बैठ, तू चुप बैठ जा। चुप बैठ जा भाई। ठीक है तो फुर्ती में अभी काम पे लगो, मुझे काम निपटाना, मैं दूसरी साइड पे जा रहा हूँ फिलहाल। चलो भाई चलो, मुनीम इन्हें काम पे लगाओ, और इस शराबी का मुझे काम चेक कराओ अभी, इसकी फुर्ती देखनी है। 125 ले रहा, चलो मैं काम लेगा, काम दिखाऊं। करो डॉक्टर साहब चेक जाके। क्या सब क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं थी, थोड़ी वीकनेस थी कुछ बुढ़ापे की वजह से भी, और इनको वीक लो गया था, उसके भी गोल लग रही है, दवाई खिला दिया। ठीक है बेटा, बेटा किशन शुएब। काम हो गया आपका? काम होता नहीं है, चलो पहले काम करो। शाम को आऊंगा मैं, शाम को मिलना मुझे ऑफिस पर आ जाना। बे यार, मैं साइड पे सारी पे घूम कर आऊँ, एक तो लेबर नहीं है कतई भी, कोई काम नहीं कर रहा, कोई इधर घूम रहा कोई इधर घूम रहा, लेबर बढ़ा दो, मुझे कुछ नहीं पता, और पैसे तो ऐसे मांगते हैं जैसे इनका खर्च चाहिए रहा हो मुझ पर। हाँ, जो खेतों पे लेबर लग रही है उसे भी यहीं पे लाओ जी। ओके okay.
ये लेक का क्या देख रहा है बाजी? हार चुका तू, कपड़े उतार। तुमने सबने मिलके मेरे साथ बेईमानी करी है, चीटिंग करी है। हमारी दारू पी गए और हमारी बीड़ी पी गए तो हमें बेईमान बता रहा? तेरे जैसे नालायक को खिलाएंगे नहीं। उतार घुसकैटियां। चला तो गया, ऐसे ले लूंगा मैं। अब क्यों आ गया? बेईमानो गड्डी दे दूं मेरी। मैंने तुमसे उसी दिन कही गड्डी अपनी ले लो। तब इसके आईडी तो आ रहा, गड्डी थोड़ी ना आ रहा। वो इसके घर के कागज कल लेने चलेंगे। चलो ठीक है, घर को चलो। आज सब सॉरी, मेरे घर आइए, आ जाओ। अरे कृष्ण बेटा, आ गया तू बेटा। क्या कृष्ण कृष्ण लगा रखे बुड्ढे? मेरा नाम समीर है। अरे बेटा एक गिलास पानी दे कृष्ण। तेरा नौकर ना लग रहा बुड्ढे, खुद उठ के पी ले। घर वाले ने दो तो औलाद दिए, एक तो मैंने अपना खेत बिक कर पढ़ाने के लिए भेज दिया, अभी मेरा समीर ख्याल ना रखेगा तो कौन रखेगा? दो दिन से मैं भी काम पे भी नहीं गया हूँ। देखूँ थोड़ा सा टहल लूँ, खाऊंगा कहाँ से कमाऊंगा, देखूँ कहाँ गया ये।
आगे बेटा ले आया हो? हां जी भाव ले लो। 5000 बेटा? हां जी भाव। गिल लाया हो? हां गिल लो एक बार और। एक दो। ठीक है बेटा, बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा तेरे। ले बेटा इनका धन हमारे भैया खाते में डाल दे और हमारे पढ़ाई की बात है, जल्दी डाल दिया। पहुंच जाएंगे तुम्हारे यहाँ। जल्दी डाल दिया बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है। एमपी बराबर एल अपॉन के 105 अपॉन एल। ये सेक्शन की ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर तो कोई और रहता था पहले, कहाँ पर है वो? वो मजदूरी करके पेट पालने भाई। आप कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? मैंने जुआ में घर जीता है। जुआ में जीता? तुम्हारे सामने कौन खड़ा है पता ना तुम्हें? पता है मुझे सर खड़ी। फिर सर खड़े तो क्या घर को छोड़ के चले जाए अपने को? सर पहले वहाँ पे चल रही, मुझे पता है वो कहाँ पे। चलो अभी देखता हूँ सर। सर आप थोड़ा बताओ। चलो सर, गाड़ी में तो कोई दिक्कत सी लग रही है मुझे, आप बाइक से चलो, मैं गाड़ी को ठीक कर आके लाता हूँ। ठीक है साहब,
बोल। 15 साल होगी काम करते करते, आज पैसा दे तो बिल्डिंग गेट दूंगा। तो पे तो खड़ो हो यार से, तू बिल्डिंग चल काम कर। यार कैसे कैसे ऐसे निकालने पड़ेंगे मुझे। बेटे मुझे भी कुछ खर्चा पानी दे देते बेटा। चल बेटे काम कर, दिमाग खराब है यार। मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, अरे मुझे सारा काम फाइनल चाहिए, ठीक है ना? ठेकेदार पैसे दे दिए आज। ठेकेदार तो बेटा यहाँ है ना, कोई काम हो तो बेटा मोहब्बत। तुम उन बेटा मुझे पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करा? उन बेटा मैं तुम्हारा सुहेब। सुहेब मेरे बेटा, सुहेब मेरा बेटा, सुहेब बेटा, सुहेब ये ठेकेदार इतना खराबी है बेटा, इसने 15 साल से एक ही मजदूर का पैसा नहीं दिया बेटा, पैसा नहीं दिया। ये मेरे हाथ पैर देख बेटा, मैंने कैसे कैसे तुझे पढ़ाया लिखाया, आज ऊपर वाले का शुक्र है बेटा कि तू मेरे सामने बैठा है बेटा। सभी परेशानी मेरी खत्म हो गई बेटा। दादी अब मैं आ चुका हूँ, चलो पहले घर चलते हैं। ठीक है बेटा। इंस्पेक्टर आ तो तुम अपनी मर्जी से गए हो, लेकिन जाओगे प्रीतम की मर्जी से। बेटा यही जलील ठेकेदार है, वो यही जलील ठेकेदार। अगर तेरे बेटे से और तुझसे मजदूरी ना करवाई तो प्रीतम ठेकेदार नाम नहीं मेरा। पिताजी तुम इधर बैठो। ठीक है बेटा, पहले मैं इसे देखता हूँ। जी चलिए। कुत्ते अब मैं आ चुका हूँ। क्या नाम है इंस्पेक्टर? एसके प्रधान नाम है मेरा। एसके प्रधान, अब मैं आ रहा हूँ, मैं यहाँ देखूंगा। इधर आने से पहले जरा एक नजर पीछे तो देख इंस्पेक्टर। डर गए ना इंस्पेक्टर, निकल गई सारी हवा। अरे ये टीम मैंने तुम्हारे जैसे के लिए ही पाल रखी थी इंस्पेक्टर। इस काले विंडो को तो मैं ही देखूंगा। पकड़ लो इस इंस्पेक्टर को, गेर दो ठेकेदार के कदमों में। इंस्पेक्टर प्रीतम है मेरा नाम, दोबारा लौटूंगा। इंस्पेक्टर दादी हमारे घर है। ये बेटा क्यों मजाक कर रहा है? मजाक मत कर रहा पिताजी, हमारे घर में नहीं। नींद से पूरी मजबूरी कदर करें, इज्जत करें और उन्हें बुलंदी तक ले जाएं। जिसका लेकर आया उन्होंने घर लेके दिया। पता है आप अपने माँ बाप की इज्जत करो तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। ये शिक्षा का होता है जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। और जैसे मेरा बेटा कृष्ण बढ़ गया, तुम्हें पता ही है वो बड़ गमार देहाती जिसको बोलते हैं, सारी जिंदगी उसकी बेकार गई। तो अपनी जिंदगी बेकार न करें, सभी पढ़े लिखे
और शिक्षित बने। तो भाई जैसा कि आपने देखा है हमारे साथियों ने कितनी बढ़िया बात कही है और हमारी टीम ऐसे ही वीडियो बढ़िया बढ़िया आपके लिए लाती रहेगी। तो अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, बाप के लिए दो लाइन कुछ सुन के जाना के पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल लाग है, पिता से माँ की चूड़ी और बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं।